हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं सब लोग अच्छे हैं तो चलिए फिर वेलकम है आप लोगों का रीजनिंग 600 प्लस टीसीएस क्वेश्चन में और आज सेट नंबर 15 होने वाले हैं 18 में से आज सेट नंबर पंद्रहवा होने वाला है और रीजनिंग के सारे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं गौरव गिराज आपके सामने में लाइव रुक्मिनी प्रकाशन ऐप से तो चलेगा जरा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और पहला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर कितना दस मीटर चलता है तो चलो पूर्व दिशा की तरफ वो दस मीटर चल लिया फिर बाएं मुड़ता है और बारह मीटर चलता है यहाँ से वो बाएं मुड़ता है और बारह मीटर चलता है डन फिर वह दाएं मुड़ता है तीन मीटर चलता है यहाँ से दाएं मुड़ता है और मात्र तीन मीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और एक मीटर चलता है अब वो बाएं मुड़ता है और छोटा एक मीटर चलता है फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और पांच मीटर चलता है अब यहां से वो मुड़ता है पांच मीटर चलता है अब वह किस दिशा में चल रहा है तो सवाल है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है तो किस दिशा में भाई तो पश्चिम दिशा में चल रहा है किस दिशा में पश्चिम दिशा में चल रहा है ऑप्शन से सी हो जाएगा परंतु इस सवाल में इतनी मेहनत की कोई जरूरत थी ही नहीं यह बताओ किधर से चलना स्टार्ट किया था पूर्व पूर्व दिशा में चलता है फिर वो क्या करता है तो बाएं मुड़ता है बारह मीटर चलता है फिर वह दाएं मुड़ता है तीन मीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है एक मीटर पुनः वह बाएं मुड़ता है और पांच मीटर चलता है तो ये बताओ कि एक बाएं और एक दाएं कट जाएगा बच जाएगा आपके पास दो बार बाएं ये कैसे मुड़ता है बाएं फिर दाएं फिर बाएं फिर बाएं तो एक बाएं एक दाएं कट गया दो बाएं में किसी का भी फेस क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है अब बताओ पूर्व में मुख है तो पश्चिम में मुख हो जाएगा तो डायरेक्ट बनने वाला यह क्वेश्चन था क्लियर है चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर क्या भरा जाए डिवाइड को पकड़ो अच्छा डिवाइड को लास्ट में आप रख ही नहीं सकते गलत हो जाएगा डिवाइड को शुरुआत में आप रख भी नहीं सकते गलत हो जाएगा हाँ डिवाइड को आप तीसरे जगह पर रख सकते हैं फर्स्ट में तो रख नहीं सकते गलत हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका बन रहा है C का, मतलब तो चार भागा दो कितना हो जाएगा ये बताओ चार भागा दो दो गुना पांच दस उ माइनस दस तेरह आ गया किससे सी से बताओ टेक्निक से बनाएंगे सर सिटिंग मेरे से भी अब गलत नहीं होता है सर पंकज कुमार एकदम नहीं होगा क्यों गलत होगा इतना क्वेश्चन कर इतना कर लिए लिए इतना डिस्कशन इतने बेहतरीन तरीके से किए गलतियां नहीं होगी मेन होता है सिटिंग पजल अगर अच्छे तरीके से आपको सिखाया गया है और उस पर आप अगर मेहनत कर लिए हैं तो फिर सिटिंग पजल ना मोहब्बत करने वाला चैप्टर है तुरंत मोहब्बत हो जाएगी जैसे कि आपके बातों से लग रहा है कि आप प्यार में पड़ चुके हैं है ना तो कह रहा है ए बी सी डी ई e, एफ अच्छा मित्र है एफ का स्थान बी और सी से उच्च है एफ का स्थान क्या है बी से भी और सी से भी उच्च है डी का स्थान सी और ई e से उच्च है अब डी का स्थान क्या अलग में लिख लो सी और ई e से उच्च है एफ का स्थान ई e से निम्न है अब बताओ एफ का स्थान ई e से निम्न है एफ का स्थान ई e से निम्न है और ई e से ऊपर डी तो यहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं क्लियर एफ का स्थान इसे निम्न है एक स्थान एफ से उच्च है किंतु इसे निम्न है तो एक का स्थान एफ से उच्च और इसे निम्न ये बताओ कहां होगा तो बताओ ए तब बीच में हो जाएगा एक स्थान इसे निम्न एक स्थान एफ से उच्च और इसे निम्न डी हो जाएगा अब ये बताओ डी सी और e ज्यादा है अब एफ बी और सी से ज्यादा उनमें से किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया तो सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया डी और अगर बोलता सबसे नीचे तो या तो बी होता या सी होता तीन का सी बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छे पंकज कुमार अगला कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे आर यू के बाई और तीसरे स्थान पर है आर देख लेना यू के बाई और तीसरे स्थान पर है मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी तीन तो आर जो है यू के बाय तीसरे स्थान पर बैठा है आर और टी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं ध्यान दीजिएगा कि आर और आप ऐसे भी बैठा सकते हैं देखो ऐसे भी बैठा सकते हैं ये तो आर है और आर और यू के बीच में क्या कह रहा है तो आर यू के बाएं तीसरा मतलब दो लोग बीच में होगा आर आर यू के के बीच और टी केवल दो व्यक्ति तो आर और टी के बीच केवल दो व्यक्ति ये हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आर और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे क्यू और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है तो क्यू तब तो इधर भी हो सकता है और एक के बाद क्यू इधर भी हो सकता है ध्यान दीजिएगा कि क्यू और यू के बीच में एक व्यक्ति अभी बैठाना है तो क्यू और यू के बीच केवल यू के दाई और केवल एक व्यक्ति बैठा है दाई और केवल एक व्यक्ति बैठा है मतलब क्यों यहां नहीं होगा तो क्यों यही होगा क्लियर सी बात हो गई केवल भी टी के बाई और बैठा है केवल भी टी के बाई और बैठा है मतलब खत्म हो गया ना इधर कोई बैठेगा ना इधर कोई बैठेगा पंक्ति में कितने सदस्य हैं पंक्ति में कितने सदस्य तो तीन तीन छीन नौ सदस्य हैं पंक्ति में सदस्यों की संख्या नौ हो गई अच्छा क्वेश्चन है क्लियर है रिता कुमारी सिंह चलिए आंसर करते चलिए आप भी कुछ बैग नोटबुक है कुछ बैग क्या है नोटबुक है और दूसरा सभी नोटबुक लैपटॉप आराम से बन रहा होगा यह सब क्वेश्चन आप लोगों से अब कह रहा कुछ बैग लैपटॉप है बिल्कुल सही भाई क्योंकि बैग और लैपटॉप में तो संबंध दिख रहा है तो कुछ बैग लैपटॉप है तो है सभी लैपटॉप नोटबुक है क्या सभी लैपटॉप नोटबुक है क्या नहीं रिवर्स में सभी जो है वो गलत माना जाता है कई बार बता चुके हैं तो दूसरा गलत होगा और केबल निष्कर्ष एक का मतलब डी नंबर आंसर पांच का डी वेरी गुड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज छह व्यक्ति अंशुल मनोहर प्रधु विक्रम वासु और प्रेरणा विताकार स्थिति में किधर भाई तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो प्रेरणा कहां बैठी हुई है विक्रम के दाई और ठीक बगल में तो विक्रम जहां भी बैठेगा उसके ठीक दाई और बगल में प्रेरणा बैठ गई <laughs> क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मनोहर विक्रम और प्रधु दोनों के ठीक बगल में है तो मनोहर इसका मतलब यहां होगा तभी ना दोनों के बगल में होगा किसके विक्रम के भी और प्रधु के भी भरा गजब कहाँ से खोज के लाया नाम पता नहीं तो विक मनोहर विक्रम और परधु दोनों के ठीक बगल में अंशुल वासु और परधु दोनों के बगल में है तो सब कुछ तो वो खुद बता दिया हमको मेहनत नहीं भी नहीं करना अंशुल दोनों के बगल में किसके वासु और परधु सवाल बन गया अंशुल के बाई और ठीक बगल में कौन है ये बताओ अंशुल के बाई ओर ठीक बगल में कौन है वासु है कौन है भाई वासु है 6 का ये आया है देख लीजिए मिलाइए बिल्कुल सही आंसर सरिता पंकज कुमार वेरी गुड द नेक्स्ट वन इज यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन यह बताओ अगस्त का महीना 31 दिनों का 12 के बाद कितना दिन बच गया 19 लेकिन 19 ना लिख करके हम 5 लिखेंगे तो चलो अगस्त का काम तमाम अगस्त के बाद सितंबर का 26 21 उड़ा दिए तो 5 बच गया अब 5 और 2 7 खत्म कर दिए तो क्या बच गया 3 बच गया और उसमें सोमवार जोड़ दीजिए बताओ भाई कितना हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा क्या हो जाएगा तो गुरुवार हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा गुरुवार मतलब आंसर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी जस्ट वेट चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आठ कह रहे कौन पालन नहीं करता है कौन पालन नहीं करता है डी एल देखिएगा चार चार आठ बारह चार सोलह ठीक है बारह चार सोलह अठारह तीन इक्कीस ठीक है सोलह चार बीस दस चार चौदह मतलब बी नंबर क्योंकि सब में प्लस चार प्लस चार हुआ है यहाँ पर भी प्लस चार प्लस चार हुआ है यहां पर भी प्लस चार प्लस चार हुआ है यहां पर प्लस चार और प्लस तीन हुआ है अठारह तीन इक्कीस तो बताओ डिफरेंट कौन सा बी नंबर नेक्स्ट वन देखो तीन प्लस चार सात सात चार ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह चार उन्नीस हो जाएगा डन अब सी ई अल्टरनेट लेटर जी आई अल्टरनेट के एम अल्टरनेट ओ क्यू अल्टरनेट एस का अल्टरनेट यू हो जाएगा इतने से ही आंसर आपको मिल जाएगा एस यू लेकिन या तो वाई होगा या जेड तो तेरह तीन सोलह सोलह तीन उन्नीस उन्नीस तीन बाईस तीन पच्चीस मतलब एस यू वाई ऑप्शन से बी नंबर डन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो यहां क्या किया गया है तो देखिएगा सात पाँच बारह पंद्रह पाँच बीस तो बताइए प्लस पाँच होना चाहिए ग्यारह मतलब कि ई होना चाहिए क्या होना चाहिए ई होना चाहिए डन तब तो ना प्लस सॉरी एफ होना चाहिए ना एफ होना चाहिए देखो यहाँ से आते हैं जब वो उल्टा दे देना जब वो उल्टा पूछ ले तो बनाने का एक और तरीका बता देते हैं क्योंकि ये टर्म पूछ रहा है तो आप एल से देखो एल से जी सी एन देख लो उल्टा देखो अभी टी वी जेड से क्यू यू देख लो तो के आर वाई से क्या होगा वो देख लो तो ध्यान देंगे आप तो क्या किया गया है यहाँ पर तो माइनस पाँच किया गया है माइनस पाँच किया गया है माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच अभी माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच कर दो तो यानी कि F हो जाएगा M हो जाएगा T हो जाएगा एफ एम टी ऑप्शन से D नंबर कोई दिक्कत वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और दूसरे अर्ध भाग को पहले अर्ध भाग से पहले लिखा जाता है मतलब N से Z को पहले लिख देना है और ए से M को बाद में लिख देना है क्लियर तो बाई और से ग्यारहवें अक्षर के दाई और पांचवा तो बाएं और दाएं में प्लस हो जाता है तो ग्यारह प्लस, प्लस पांच कितना हो जाएगा सोलहवा हो जाएगा क्या हो जाएगा सोलहवा किधर से तो बाएं से बाएं से सोलहवा अक्षर कौन होगा अब देखिए तो जरा तो ये बाएं से तेरहवा है ये चौदहवा है अब दो और आगे जाएंगे तो सोलहवा आ जाएगा तो ए से दो आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा सी मिलेगा बताओ कितने आसानी से बन गया ऑप्शन सी ऑप्शन सी डन अगला ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है इस पर धारणा क्या हो सकती है इससे बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी तो गलत यह तो और सुविधा की बात हो गई ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे तो दूसरा सही हो जाएगा तो केवल दो क्योंकि हर कोई चाहता है काम आसानी से हो जान अगला देखो आठ पांच तेरह पांच पांच दस फिर देखो तो सोलह पांच इक्कीस हो जाएगा अब आर अठारह सात पच्चीस दस सात सत्रह तो प्लस सात में आई हो जाएगा यू और आई हो जाएगा ऑप्शन से नंबर नंबर ऑप्शन से ए से नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से चौदह में दाएं तो दाएं और दाएं में क्या हो जाता है माइनस तो चौदह माइनस नौ पांचवा हो जाएगा किधर से भाई तो दाएं से पांचवा गिन लो यही ना दाएं से पांचवा एक दो तीन चार पाँच मतलब के हो जाएगा अरे कुछ और कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा दाई और से हाँ चौदह में के दाई और नौ में अक्षर अक्षर चिन्ह अरे भाई मेरे देखो गलती हो गई ना हमसे दाएं सिरे से ये ना रहा तो एक दो तीन चार पाँच क्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यू नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है रेड के लिए बताइए कि कोड क्या आएगा रेड फैंसी लाइट और टोमेटो रेड सिर्फ रेड रेड कॉमन है तो दोनों में कोड कॉमन है कौन सा एमडी तो हो जाएगा। से क्या बात है नस का एक वर्गाकार मेज के चार बैठे है। चार आठ डन के उनमें से चार इसके कोनों पर बैठे हैं जबकि भुजा के माध्यम पहला लाइन जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है क्लियर ई जी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है तो ई जी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है एफ ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है तो एफ और ई साथ नहीं होगा अलग में लिख लीजिए एफ ई के बगल में नहीं बैठा है एफ और एच के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं तो एफ और एच के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं मतलब एफ और एच आमने सामने बैठेंगे और बी एच के बाई और ठीक बगल में तो देखोगे तो ई और एफ बगल में नहीं बैठेगा तो एफ यहाँ नहीं हो सकता और एफ यहाँ नहीं हो सकता ठीक है तो एफ यहाँ भी नहीं हो सकता तो एफ यहां हो सकता है एफ यहां भी नहीं हो सकता है ठीक है तब एफ यही दो जगह से होगा एक और दो तो एफ मान लो कि एफ को यहां बैठा देते हैं एच को यहां बैठा देते हैं एक लाइन तो है तो क्या कह रहा है एफ और एच के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं एफ e के बगल में नहीं बैठा बी एच के बाई और ठीक बगल में तो बी एच के बाई और ठीक बगल में हो जाएगा हो जाएगा ना क्लियर है और एफ एच के बी एच के बाई और ठीक बगल में बैठा है ए सी के दाई और तीसरे स्थान पर ए सी के दाई को तीसरे स्थान पर क्लियर है तो ये भी क्लियर ये भी ए सी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है डी के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है तो बताइए जरा डी ही ना बच गया तो डी के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ई e बैठा है सोलह का डन। नेक्स्ट एक निश्चित कोड भाषा में मंथ को देखो मंथ को क्या लिखा गया है देखो एम ओ मार्च को देखो एम ओ चेंज्ड है टी एच रिवर्स है अब एन से पी में दो बढ़ा दिया देखो एम ए चेंज है सी एच चेंज है और आर में टी बढ़ा दिया क्लियर तो क्या आप अप्रैल बता सकते हो तो जी हाँ बिल्कुल तो अप्रैल में क्या हो जाएगा आर ए और एल आई यहाँ प्लस दो कर दीजिए टी हो जाएगा तो रात और एल आई रात एल आई अरे यार ए पी है ना ये पार्टली क्या आंसर हो जाएगा पार्टली ऑप्शन से सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मोमेंटम को क्या लिखा जा रहा है मोमेंटम को आ, एम ओ एम ई और एम ओ एम ई उल्टा लिख दिया एन टी यू एम एन टी यू एम को सीधा लिख दिया सेम देखो ई क्यू यू ए क्यू यू ए टी आई ओ एन को सीधा लिख दिया तो बताइए हम क्या लिखेंगे एन जी एम और बाकी को एटिक सेम रहेगा मतलब एन जी ए एन जी एम एटिक एन जी एम एटिक लास्ट वाले को सेम रखना है है ना अगला एम एफ के पचासी मीटर दक्षिण पश्चिम एम एफ के पचासी मीटर दक्षिण में एम एफ के पचासी मीटर दक्षिण पश्चिम में यदि सी एफ के पचासी मीटर दक्षिण पूर्व में हो यदि सी एफ के पचासी मीटर दक्षिण पूर्व में हो तो सी एम के सापेक्ष किस दिशा में तो सी एम के सापेक्ष पूर्व दिशा में किस दिशा में पूर्व दिशा में डन देखो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग शिपिंग कारपोरेशन कंपनी अपने एक संयंत्र के लिए प्रबंधन ये प्रशिक्षुओं की भर्ती करने का निर्णय लिया कंपनी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित मानदंड निर्धारित किए पहला न्यूनतम पैंसठ प्रतिशत अंकों के साथ मरीन इंजीनियरिंग में स्नातक होने चाहिए पहला दूसरा किसी शिपिंग कंपनी के साथ कम से कम एक वर्ष की इंटर्नशिप होनी चाहिए मतलब मरीन इंजीनियरिंग में स्नातक चाहिए पैंसठ प्रतिशत किसी शिपिंग कंपनी के साथ एक साल का इंटर्नशिप एक जुलाई 2020 को आयु 21 वर्ष से कम और 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए डन सामान्य प्रवेश परीक्षा में सी में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए डन अब पहला सवाल है अब इसका सलेक्शन होगा कि नहीं देखो अनिरुद्ध जिनकी जितती थी बारह मार्च उन्नीस अब ये बताइए 2020 तक में सात साल उधर बीस सत्ताईस साल मतलब चलो तीन नंबर तो फुलफिल कर दिया इकसठ प्रतिशत अंकों के साथ एक मरिज है तो ये तो गलत हो गया ना इकसठ प्रतिशत पैंसठ चाहिए यहीं है और उन्होंने एक प्रसिद्ध शिपिंग कंपनी के साथ चौदह महीने की अवधि की इंटर्नशिप भी की है तो ये भी सही है एक वर्ष यानी बारह महीने के चाहिए इंटर्नशिप भी की है वह पिछले दो वर्षों से कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में कहा उन्होंने सामान्य प्रवेश परीक्षा में अस्सी मतलब सब तो फुलफिल किया पहला फुलफिल नहीं किया तो आप क्या कहेंगे उपरोक्त उपरोक्ताक्रोह के आधार पर आपको अन्य कुछ भी अनुमान नहीं लगाना तय करें कि अनुरुद्ध उपरोक्त पद के लिए अर् है या नहीं उनका चयन नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल उनका चयन नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल उनका चयन किया जाना चाहिए गलत उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए लेकिन किसी निम्न पद पर गलत दिए गए आखिर निर्णय गलत क्योंकि पर्याप्त है कि वो कम है तो ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए नीरज कोड़ी हाई हाई हाई, हाई। बोलताइये एक कॉलेज में हुए साक्षात्कार में प्राचार्य सहित तो। आठ व्यक्ति एक वर्गाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं जहां उनमें से चार व्यक्ति वर्ग के कोनों पर बैठे हैं और शेष चार व्यक्ति के वर्ग की प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं डेन बहुल निकॉन के विकर्णतः देखो चार ये भुजा के मध्य हो गया और चार ये कोना हो गया सवाल है बहल निकॉन के विकर्णतः सामने बैठा है बहल निकॉन के विकर्णतः सामने बैठा है तो ये बहल हो जाएगा क्लियर है निकॉन ईवा के दाई और ठीक बगल में बैठा है निकॉन ईवा के दाई और ठीक बगल में डन क्लियर आगे क्या कह रहा है? पियर्सन ईवा के ठीक बगल में बैठा है तो यहां पर पियर्सन हो जाएगा कौन हो जाएगा पियर्सन क्लियर है पियर्सन चार्ली के विकर्ण तहत सामने बैठा है पियर्सन चार्ली के विकर्ण तहत सामने बैठा है मात्र तीन लोग को बैठाना है चार्ली प्राचार्य के बाई और ठीक बगल में बैठा है चार्ली प्राचार्य के बाई और ठीक बगल में बैठा है तो यहाँ पर प्राचार्य हो जाएगा प्राचार्य के बाई और ठीक बगल में बैठा है फिलिप बहल के दाई और ठीक बगल में नहीं बैठा है तो फिलिप को यहाँ बैठा दीजिए कि अगर बहल के दाई और नहीं बैठा है तो यहाँ पर फिलिप और जैक्सन के बीच केवल तीन व्यक्ति है तो यहाँ पर जैक्सन हो जाएगा सारे लोग तो चलो बैठ गए सवाल है इवाक के बाई और दूसरे स्थान पर कौन है तो बताइए कि इवाक के बाई और दूसरे स्थान पर कौन है जॉनसन है जॉनसन या जैक्शन जैक्सन ऑप्शन बी हो जाएगा नहीं क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया है जल्दी से बताओ देखो इस तीनों को जोड़ देते हैं बारह चार सोलह और पच्चीस इकतालीस में से सैंतीस घटा दीजिए तो चार हो जाएगा तीनों को जोड़ दीजिए दो छत्तीस और इक्यावन तो बताइए छत्तीस दो अड़तीस अड़तीस और दो छब्बीस दो अड़तीस दो चालीस और उनचास एट्टी नाइन में से एट्टी सेवन गया दो हो गया यहाँ बताइए बारह तीन पंद्रह मतलब पचास और चौदह कितना हो जाएगा चौसठ में से अंठावन घटाइए छ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी छ हो जाएगा क्या हो जाएगा छ अगला एक पारिवारिक पार्टी में अमेलिया ओलिविया ईशा एमली पॉपी और जेसिका सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं टन पॉपी और जेसिका दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं तो क्या कह रहा है पॉपी और जेसिका दोनों के दोनों छोड़ के एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं क्या कह रहा है पॉपी और जेसिका दोनों के एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं दोनों के एक तरफ तरफ दो व्यक्ति व्यक्ति और दूसरी तरफ तीन बैठे हैं क्या कह रही है पॉपी और जेसिका दोनों पापी problems... और जेसिका दोनों के एक तरफ दो व्यक्ति और दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे ठीक है हा ठीक है कितने व्यक्ति परिवार पटना एक दो तीन चार पाँच और हाँ ठीक है हो तो गया क्या रहा है कि पॉपी और जेसिका दोनों के तरफ थे? या तो पॉपी यहां हो जाएगी जेसिका यहां या तो पॉपी यहां और जेसिका यहां पर ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि पॉपी और जेसिका दोनों के एक तरफ दो व्यक्ति दोनों के एक तरफ दो और एक तरफ तीन व्यक्ति एक तरफ दो एक तरफ तीन व्यक्ति यही दो चांस बन रहा है और कोई नहीं अमेलिया और ओलिविया दोनों एक एक सिरे पर बैठी है तो अमेलिया ईसा ओमिलिया के बाई और तो ईसा अगर ओमिलिया के बाई और तो यही होगी ईसा ओमिलिया के बाई और ठीक बगल में ठीक है तो अमेलिया और ओलिलिया ओल छोड़ो पर बैठे ओलिविया डन ओलिविया, डन अमेलिया और ओलिविया दोनों एक एक सिरे पर बैठे हैं ईसा अमेलिया के बाई और ठीक बगल में बैठी है, ओलिविया के दाई और ठीक बगल में कौन है तो ओलिविया के दाई और ठीक बगल में बच कौन गई है एमिली बच गई है कौन बच गई है एमिली इस डायग्राम से भी वही आंसर और इस डायग्राम से भी वही आंसर तो बताइए इसके दाई और कौन हो जाएगी अमेली हो जाएगी कौन हो जाएगी अमिली हो जाएगी बड़ा अच्छा सवाल था यह क्या हो जाएगी अमेली हो जाएगी डीनिया अगला इनमें से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो कह रहा है एक प्रश्न और उसके बाद तीन कथन दिए बताएं कि कौन सा कथन उत्तर देंगे कह रहा है श्रीजा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तो किसने प्रथम अंक प्राप्त किया तो एक से तो आंसर हुआ नहीं क्योंकि ये सेकंड है ये सेकंड स्थान अमन का स्थान श्रीजा से एक स्थान नीचे है नीचे है तो इससे भी आंसर नहीं आ पाएगा रोहित का स्थान अमन से बेहतर है रोहित का स्थान अमन से बेहतर है तो अकेला तो कोई भी नहीं है ना तीनों को जब मिलाएंगे तब जाकर के आंसर आएगा कहिए कैसे तो दो नंबर पर कौन एक दो दो नंबर पर कौन है सृजा है दूसरे को मिलाएंगे अमन का स्थान से एक स्थान नीचे तो तीन पर अमन हो जाएगा रोहित का स्थान अमन से बेहतर है तो रोहित तब यहां हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन तो क्या कहेंगे प्रत्येक कथन एक दो तीन अकेले ही पर्याप्त है सभी कथन एक दो तीन एक साथ पर्याप्त है आंसर से सी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्लियर है आगे बढ़ें आगे बढ़ें चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन छः पाँच ग्यारह आठ पाँच तीन आठ छः चौदह ठीक है ओके 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 उन्नीस चौदह तैतीस और प्लस सोलह हुआ छब्बीस हुआ देखिए छः है ग्यारह है उन्नीस है तैतीस है उनसठ है, उन्सट है 109 है तो अगला क्या होगा ध्यान दीजिएगा गैपिंग कितने की पाँच आठ चौदह और तीन दो पाँच छब्बीस पचास अगला क्या होगा देखिए पाँच तीन आठ छ बारह तीन छः छह चौबीस तो अगली बार अड़तालीस हो जाएगा क्या हो जाएगा चौबीस के बाद बारह तीन गुना दे छः चौबीस गुना दो अड़तालीस यानी कि अंठानवे जोड़ दीजिए क्या जोड़ दीजिए अंठानबे जोड़ दीजिए मतलब दो सौ सात हो जाएगा क्या हो जाएगा दो सौ सात हो जाएगा डन अगले सवाल की तरफ छ व्यक्ति जे के एल एम एन ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है एम के बाई और केवल तीन व्यक्ति हैं एम के बाई और केवल तीन व्यक्ति हैं क्लियर हो गया तो एम के बाई और केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं और एल के दाई और केवल चार व्यक्ति बैठे हैं तो एल के दाई और केवल चार व्यक्ति बैठे हैं तो एल के दाई और केवल चार एन जे के दाई और तीसरे स्थान पर तो जे के दाई और तीसरे स्थान पर तो एन हो जाएगा तीसरा होगा ना जे के दाए तीसरा नहीं होगा वो पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है तो वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो कौन बैठा है तो के बैठा है क्लियर अगला सवाल बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व में अठारह मीटर पर स्थित है बिंदु ए किसके भाई तो बी के अगला लाइन बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में बाईस मीटर बिंदु बी सी से 22 मीटर है बिंदु बी बिंदु सी से 22 मीटर उत्तर में स्थित है बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में 11 मीटर डी कितना है 11 मीटर पर सी से बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में ग्यारह मीटर पर स्थित है बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में ग्यारह मीटर पर स्थित है ले गड़बड़ा गया ए बी, सी डी और बिंदु ई ये अठारह है ये ग्यारह है ये 11 है, अब बिन्दु ए, बिन्दु 11 अब बिंदु बिंदु ई डी के मीटर कितना हो जाएगा ग्यारह बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण ग्यारह मीटर स्थित मतलब बिंदु एक्स बिंदु ई के पूर्व में कितना उन्तीस मीटर पड़ता ग्यारह अठारह उन्तीस मतलब बिंदु एक्स यहाँ हो जाएगा तो क्या कह रहा है कि बिंदु एक्स बिंदु के पूर्व में 29 मीटर पर है तो ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी तो ए और एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी तो ये बाईस था होगा और 22 ग्यारह ग्यारह कितना तैतीस कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर ए अगला सवाल कह रहा छा मित्र की आयु अलग अलग है पी केवल एस से छोटा है देखो पी केवल एस से छोटा है पी केवल एस से छोटा है इसका मतलब बाकियों से बड़ा है तो पी केवल एस से छोटा है केवल तीन मित्र आर से छोटे हैं तो केवल तीन मित्र आर से छोटे हैं यू टी से छोटा है और यू सबसे छोटा नहीं है तो यू टी से छोटा है और सबसे छोटा नहीं है तो कितने मित्र टी से छोटे हैं तो टी से कितने मित्र छोटे हैं तो दो मित्र छोटे हैं बच कौन गया था क्यू बच गया है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ में से केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है उनमें से केवल दो व्यक्ति बारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं जबकि शेष दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं ई एफ में से केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है उनमें से केवल दो व्यक्ति बारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं देखो एक व्यक्ति को काला पसंद है केवल दो व्यक्ति क्या कह रहे उनमें से केवल दो व्यक्ति ट्वेल्थ हैं जबकि शेष दसवीं कक्षा है जबकि सेस मतलब आठ जो है दसवा पास कितने लोग बच गए चार लोग ना ये भी से दिया। चार बाकी के चार लोग दसवीं पास लेकिन कौन ये पता नहीं है ठीक है दसवीं केवल अच्छा के सी एफ के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है केवल सी एफ के साथ क्या कह रहा है एक ही कक्षा में पढ़ता है डन डी को गुलाबी रंग पसंद है अब क्या कह रहा है कि डी को गुलाबी रंग पसंद है डी को क्या पसंद है गुलाबी रंग पसंद है डी को गुलाबी रंग बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को काला रंग पसंद नहीं है तो यहाँ पर काला रंग पसंद करने वाला नहीं होगा मतलब काला रंग पसंद करने वाला क्या हो जाएगा टेंथ से काला रंग पसंद करने वाला टेंथ से है ना तो ए और ना ही ई को काला रंग पसंद है अब ए और ई को काला रंग पसंद नहीं है बस इतना ही इंफॉर्मेशन है उनमें से किसे काला रंग पसंद है ध्यान दीजिएगा काला रंग पसंद क्या ए और ई e को नहीं है काला रंग पसंद ए और ई e को नहीं है और डी को तो गुलाबी पसंद है अब बच गया कौन बी सी एफ सी एफ के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है केवल सी एफ के साथ एक ही कक्षा में तो सी और एफ भी नहीं होगा क्यों भाई क्योंकि केवल सी और एफ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो ये तो ट्वेल्थ के बच्चे हो गए और तो ट्वेल्थ के बच्चे नहीं है तो काला जब भी होगा इसमें से होगा तो बच कौन गया बी तो बस पढ़ते के साथ बनने वाला कुछ था, लेकिन बहुत अच्छा था चलिए लीफ को देखिए बारह तीन पंद्रह प्लस तीन हुआ है यहां से प्लस दो हुआ है फिर प्लस तीन प्लस दो तो चलिए जरा स्टेम को क्या करना है तो प्लस तीन मतलब क्या भी? अब प्लस दो मतलब क्या हो जाएगा टी में दो जोड़ देंगे तो भी, भी होगा में तीन जोड़ देंगे तो एच हो जाएगा और मतलब मतलब कि का ऑप्शन से बी नंबर अंतिम प्रश्न कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो कैसे कुत्ता हो गया आ, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है तो बिल्ली नहीं है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है आ, सभी बिल्लियां चूहे हैं सभी बिल्लियां चूहे हैं पहला इंफॉर्मेशन है आपका कि कोई कुत्ता चूहा नहीं है तो कोई कुत्ता क्या नहीं इसकी निगेटिव किसके साथ इसकी हंड्रेड परसेंट निगेटिव इसके साथ इस दोनों में फिफ्टी परसेंट ही निगेटिव है लेकिन ये कितना बात कर रहा है हंड्रेड परसेंट की बात कर रहा है होगा सही कभी नहीं हो सकता है अब मान लीजिए कि ये पटना है पटना वालों को लखनऊ वाले ने बैन किया है बैन किया है यूपी नहीं घूम सकते हम ये कह रहा ना ये यूपी ही नहीं जा सकता था क्या हो जाएगा गलत कोई चूहा कुत्ता नहीं है तो कोई चूहा कुत्ता नहीं है फिर वही बात दोनों में फिफ्टी परसेंट निगेटिव है फिर ये हंड्रेड परसेंट निगेटिव की बात कर रहा है नहीं होगा कुछ चूहे बिल्लियां हैं ये सही होगा क्योंकि चूहे और बिल्ली क्या है आपस में साथ हैं तो कुछ चूहे बिल्ली हैं हंड्रेड परसेंट और सभी चूहे बिल्ली हैं तो रिवर्स में तो आपको पता है कि रिवर्स में सभी क्या माना जाता है गलत तो ये गलत हो जाएगा और केवल तीन पालन करता है ऑप्शन से सी क्लियर बताइए तो मिलते हैं अगले सेट में ओके बाय बाय गुड नाइट सभी को